Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you job letter. All right, fine. See, job letters are written to make a request or apply for a service. To make a request or a job application has two parts. How many parts? Two parts. ठीक है, दो parts. One is a covering letter. And the other is a bio data. Or resume we can say, all right, to be sent along with the cover letter. To be sent along with the cover letter. ये आगे जी जॉब लेटर्स आर रिटन टू मेक अ रिक्वेस्ट और अप्लाई फॉर अ सर्विस. ठीक है, जॉब एप्लीकेशन हैज टू पार्ट्स. ठीक है, या जॉब लेटर भी कह सकते हैं, वहां पर आप टू पार्ट्स होते हैं. वन इज अ कवरिंग लेटर. ठीक है, एंड द अदर इज द बायो डेटा टू बी सेंड अलोंग विद द कवरिंग लेटर. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब देखते हैं हम इसका फॉर्मेट. ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं एक बार, नोट कर लीजिए इसको. फॉर्मेट तो सेम ही होता है, जैसा कि मैंने लेटर टू एडिटर में आपको बताया था ना, तो बस वही होता है. बस जो आपके जो कंटेंट है ना, जो बॉडी ऑफ द लेटर है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो वो किस तरीके से मैं बता दूंगा आपको. ठीक है, फिर भी एक बार फॉर्मेट देखो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस. ऑलराइट, देन हैंड लाइन बताई थी मैंने आपको. ऑलराइट, देन डेट, डू नॉट ऐड और डेट, डायरेक्टली डेट डाल देंगे. ठीक है, देन ब्लैंक लाइन. ठीक है, देन आपको रिसीवर साइड है. ठीक है,
देन आपका क्या आ जाएगा, एक लाइन का छोड़ते हैं, ठीक है। देन आप क्या डालेंगे, सब्जेक्ट, क्या डालेंगे, सब्जेक्ट, वर्ड सब्जेक्ट मस्ट बी कंप्लीट, ठीक है। एस यू बी चेंज चाहिए, डू नॉट हैव एस यू बी ओनली, राइट। देन आप क्या डालेंगे, सेलिब्रेशन, क्या डालेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगी, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर में देखिए, इसमें सिंपली क्या होता है कि देखिए, दिस यूजुअली यूजेस थ्री पैराग्राफ्स, कितने होते हैं, थ्री पैराग्राफ्स होते हैं, बट कई बार अगर आपका कंटेंट कम है तो आप एक ही पैराग्राफ में से फिनिश कर सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ वही होते हैं, देखिए बॉडी ऑफ द लेटर में, फर्स्ट पैराग्राफ आपका होता है इंट्रोडक्टरी, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ होता है आपका इंफॉर्मेटिव, ठीक है। एंड थर्ड पैराग्राफ आपका जाता है कंक्लूडिंग, ठीक है, कंक्लूडिंग जिसे कहते हैं, ऑलराइट। तो इस तरीके से होता है, फिर आपका वही आ जाता है जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर जो हमने आपको बताया था, लेटर टू एडिंग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ठीक है। पहले तो आपको विशेष करके इसका ध्यान रखना है, ये ऊंचे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो बॉडी कलर है ये भी यहीं से आएगा और ये भी इधर इसी के लिए होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर बताइए आपको क्या होता है, योर्स ट्रूली वगैरह जो आते हैं ना वो आ जाएंगे, या फिर योर्स सिंसियरली आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके कोई बॉस है जिसको पहले से ही जानते हैं आप, तो सिंसियरली वगैरह लगा दो, ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें योर ट्रूली लगा के आराम से काम चल जाता है, ठीक है। नेम एंड डेजिग्नेशन यहाँ पर आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसे हम बता रहे थे कवरिंग लेटर, क्या बता रहे थे, कवरिंग लेटर बता रहे थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस कवरिंग लेटर को बाद में इस तरीके से बायोडेटा से रिज्यूमे से अटैच करते हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद में हम क्या करेंगे, बायोडेटा ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर टू बी मेंशनड इन बायोडेटा, ठीक है। जो बायोडेटा में चीजें मेंशन की जाती हैं उन चीजों के बारे में बात कर लेंगे, फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू मेंशन नेम, क्या मेंशन करेंगे, नेम, ठीक है। देन फादर्स नेम, ठीक है। देन डीओबी, डीओबी परिवार डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। राइट, देन क्या करेंगे, देन आपको मेंशन करना है एक्सपीरियंस, क्या करना है, एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस से पहले कुछ और चीजें हैं जिनको मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहां पर मेंशन करते हैं हमको, और इसको नीचे ले जाता हूं, एड्रेस के बाद में आप डालेंगे जेंडर या सेक्स, क्या डालेंगे, जेंडर या सेक्स, ठीक है। देखिए
क्या डालेंगे, मैरिटल स्टेटस डाल दिए, ठीक है, देन आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दें। इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना है, ठीक है। तो अब हम एक लेटर लिख के देते हैं कि कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट कवर लेटर, क्या लिखेंगे, कवर लेटर लिखेंगे, फिर बायोडाटा बनाएंगे। ऑलराइट, तो देखिए कैसे बनाते हैं कवर लेटर। जनरली क्या होता है कि आप बुक्स में भी देखोगे तो बुक्स में भी आपको बड़ी घटिया सी लैंग्वेज लिखी मिल जाएगी, आई रीड योर एडवर्टाइजमेंट। अरे इज इट अ लैंग्वेज, लैंग्वेज हैज सम पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स हमें फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से क्या कहना है, कहाँ कहना है, हमें एक अच्छा इम्प्रेशन भी छोड़ना है, ठीक है। तो उस तरीके की लैंग्वेज हमें यूज करनी है, लैंग्वेज मस्ट बी इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए। आई नो दैट इट शुड बी कोहेसिव एंड क्लियर एंड टू द पॉइंट, ठीक है, बट फिर भी इम्प्रेसिव होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए किस तरह के सेंटेंसेस हमें यूज करने हैं, मैं बताता हूँ आपको। ऑल राइट, देखिए ये अच्छे से देखो, नेम फादर नेम डीओबी एड्रेस जेंडर, ठीक है, ये आपको भरने हैं वहां पर। देखिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल आगरा, इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट published in the Times of India. So, India, ठीक है, dated 24 July 2020, ठीक है, यू आर सोहन शोभा, ठीक है, ऑफ 36 कमला नगर
ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप लेटर की जगह क्या कर लो, एप्लीकेशन कर लो। ठीक है, बेसिकली इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। टू द प्रिंसिपल ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल, ठीक है, कुछ नहीं टू आगरा, इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 24 जुलाई 2020। ठीक है, यू आर सोहन शोभा और 36 कमला नगर आगरा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना कवर लेटर ड्राफ्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, for the post of PGT physics. All right, now change paragraph. I would like to offer my services for the same.
ये इतना होगा ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके आगे का कंटिन्यू करना है ठीक है। इसका एक और तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे मैंने ना टाइम्स ऑफ इंडिया डेट 24/20/20 ठीक है, अ पोस्ट ऑफ पीजी डिस्ट्रिक्ट लाइन वेकेंट, क्या है अ पोस्ट ऑफ पीजी डिस्ट्रिक्ट लाइन वेकेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए, अंडर योर कैंड कंट्रोल आई वुड लाइक टू अप्लाई, आई वुड लाइक टू ऑफर फॉर माय सर्विसेज फॉर द सेम ठीक है। अब देखिए एज फार एज माई अकेडमिक क्वालिफिकेशन आर कंसर्न, एज फार एज माई अकेडमिक क्वालिफिकेशन आर कंसर्न, कॉमा लगाओ ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन माई रिज्यूमे अटैच हियर ठीक है। It is mentioned in my resume attached here. Yours truly.
डाल दो, क्या नाम था, सोहन,
फर्स्ट आई यहाँ पर थर्ड डिवीजन फर्स्ट आई है परसेंटेज आपकी 65 ठीक है। अब बात करते हैं नंबर मार्क पर बी आर की ठीक है। बी आर है तो कहाँ से दिया है, जे से दिया है, बी बी आपने यूनिवर्सिटी आगरा से दिया ठीक है। तो बी आर है 2013 में दिया है ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट डिवीजन आई आपकी ठीक है, परसेंटेज आई आपकी 75 ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये अपनी अकेडमिक क्वालिफिकेशन डाल दी ठीक है। अब इसके बाद में दो तीन चीज़ें और बची हैं उनको भी हम मैं इधर लिख देता हूँ ठीक है। आप फिर अपना पेज के हिसाब से मैनेज कर लेना अपन राइट। क्या क्या था हमारा एक्सपीरियंस ठीक है, एक्सपीरियंस में क्या था 3 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, क्या है 3 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस कहाँ पर इन डीपीएस ठीक है। अब क्या डालना है आपको हॉबीज, क्या डालनी है हॉबीज, क्या है प्लेइंग क्रिकेट ठीक है एंड सिंगिंग सॉन्ग ठीक है। तब आपको क्या डालना है रेफरेंस, रेफरेंस में कोई भी ऐसे नाम डाल दीजिए जो थोड़े से अच्छे हो, क्योंकि बंदा जितना भी जो भी कोई आपको हायर करेगा वो उस बंदे को कॉल करेगा और आपकी रेपुटेशन के बारे में पूछेगा, आपकी प्रोफाइल के बारे में जानेगा ठीक है। तो ऐसे बंदे का नाम बताना जो बंदा आपको अच्छे से प्रॉपरली जानेगा ठीक है। तो जैसे मैं डाल देता हूँ मिस्टर अमित शर्मा ठीक है, एचओडी इंग्लिश सेंट पॉल स्कूल हार्वर्ड ठीक है। एक्टिव हो गया नंबर वन डिफरेंस, नंबर टू पे आ जाएंगे आपके मिस्टर महेंद्र सिंह ठीक है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल डालो कोई सब डालो प्रिंसिपल आरबीएस इंटर कॉलेज ठीक है, आरबीएस इंटर कॉलेज ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना जरूरी है ठीक है ठीक, ये होगा और इनका मोबाइल नंबर डाल दो ठीक है। ऐसे मोबाइल नंबर है, एक चीज रह रही है इसमें, चाहो तो आप उसे मेंशन कर देना, नहीं चाहो तो मत करना, वो है सैलरी, क्या चीज है सैलरी ठीक है। इसमें लिख देना सैलरी लिख तो 70,000 पर मंथ या फिर निगोशिएबल ठीक है, एन ई डी ओ टी आई ए बी ठीक है, निगोशिएबल ये आपका कंप्लीट जॉब लेटर तैयार हो गया ठीक है। अब बताना मुझे इसको देख करके कि आप आराम से लिख पाओगे या नहीं ठीक है, और आपको जो इजी लगे ना वो आपको करना है, यानी कि अगर आपको लेटर ये चॉइस में आता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये जो लेटर है ना वो चॉइस में आएगा ठीक है। चॉइस में आपको जो भी क्या नाम है इजी लगे लेटर को पहली बार इजी लगता है तो उसको कीजिए, अगर जॉब लेटर इजी लग रहा है तो उसको कीजिए ठीक है। 0.1% happens that only one letter is there, ठीक है? Otherwise there is choice every time, all right? हर बार के आने में choice आती है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक कि choice नहीं आई हो, तो choice आएगी आएगी। अब आपकी better command किस पे है वो आप अच्छे से देख लीजिए ठीक है। जिसमें भी आपकी better command है ना आप वो वाला करें, आप किसी के बहकावे में नहीं आए या किसी की बातों में नहीं आए ठीक है। इसमें एक चीज कट रही है, पांचवें नंबर की जो है डिटेल थोड़ी सी कट रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखा देता हूं उसको, ऑल राइट। देखिए मैं एक बार कैमरे को सेट करके दिखा देता हूं आपको पांचवें नंबर की डिटेल, देखिए ये ठीक है।
फिफ्थ पे बी एड है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा लिखा हुआ है, 2013 में किया है, एंड डिवीजन आपकी फर्स्ट आई है, ठीक है। परसेंटेज आपकी 75 आई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी क्लियर हो गई है, अब आपको कोई प्रॉब्लम और कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। सी इफ यू टॉक अबाउट जॉब लेटर इट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है, बट इट टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू लेटर टू एडिटर, ठीक है। उसके कम्पेयर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसमें आपको रिज्यूमे बनाना पड़ता है, ठीक है। उसमें रिज्यूमे नहीं बनाना पड़ता, इसमें आपको कवर लेटर भी बनाना है और रिज्यूमे भी बनाना है, दोनों चीजें लिखनी है, ठीक है। तो कंक्लूजन कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मेट वही फॉलो करना है, ठीक है, जो फॉर्मेट लेटर टू एडिटर का मैंने आपको बताया था, ठीक है। और क्या नाम है, जहां पर बॉडी ऑफ द लेटर की बात आती है, बॉडी ऑफ द लेटर में कंप्लीटली आपका चेंज है, ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान रखने वाली चीज है, चलो मैं एक बार सम अप कर देता हूं, इसको सम अप करता हूं, देखिए बॉडी ऑफ द लेटर में देखो, बॉडी ऑफ द लेटर में थ्री पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है इस तरीके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्रिएट, ठीक है, कोई वैकेंसी है, ठीक है, किसी स्कूल में या किसी कंपनी में, ठीक है, तब कैसे लेटर लिखेंगे, तब कैसे बिगिन करेंगे, तो देखिए उसको हम कैसे बिगिन करेंगे, सेंट्रल लेटर हो जाएगा, ठीक है, डेट रिसीवर लेटर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, मैं सीधे डायरेक्टली बॉडी पर आता हूँ, ठीक है, पहले फर्स्ट पैराग्राफ पे आ रहा हूँ, उसको कैसे बिगिन करेंगे, देखिए उसको हम बिगिन करेंगे आई हैव कम टू नो टू सम रिलायबल सोर्सेस, ठीक है, दैट अ पोस्ट ऑफ हेड अकाउंटेंट इज लाइंग वेकेंट अंडर योर काइंड कंट्रोल, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आई विश टू अप्लाई, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, ठीक है, यहां पर मैं सब्जेक्ट डाल देता हूं, देखो यहां डाल देता हूं मैं रिस्पेक्ट के, ठीक है, और यहां पर मैं डाल दू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड अकाउंटेंट, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दो, अकाउंटेंट के कैपिटल बना दीजिए, अकाउंटेंट हो गए, रिस्पेक्टेड सर हो गए, फिर आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पूरा, ठीक है। अब देखिए एज फार एज, देखिए एज फार एज माई डिटेल्स आर कंसर्न्ड या माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर कंसर्न्ड, ठीक है, वो मैंने कहा कर दी है, मैंने मेरे रिज्यूमे में मेंशन कर दी है, वही चीज आप मेंशन कर दो जो मैंने पहले आपको बताई है, उसको डिक्टो कॉपी कर दीजिए, ठीक है, या फिर डिफरेंट सेंटेंसेस में लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते, देखिए माय डिटेल रिज्यूमे इज एनक्लोज्ड हियर विद, ठीक है, इतना हो गया फॉर योर काइंड कंसीडरेशन,
योर पेंटर कर सकते हैं, एंजल कर दो, पैंट कंसिडरेशन कर दो, ठीक है, इतना हो गया। अब आप वो पैराग्राफ बना दीजिए मैं जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि आई लाइक टू अश्योर यू, ठीक है, उसको ऐड कर दीजिए। या फिर आप और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर आप अपना रिज्यूमे यहाँ पर सेट कर दो जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो इजीली कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप तब लिख सकते हैं जब आपको वैकेंसी न्यूज़पेपर के थ्रू न मिल करके वो आपको कहाँ से मिली है, वो आपको किसी रिलायबल सोर्स से मिली है, कहाँ से मिली है, रिलायबल सोर्स से मिली है, ठीक है, थ्रू सम रिलायबल सोर्सेस, ठीक है, वहां से मिली, तब आप इस तरीके से अपने लेटर को बिगिन करेंगे। ऑलराइट, आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो आप इस तरीके से अपना जॉब लेटर किसी भी रेफरेंस में, यानी एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस में लिख सकते हैं या फिर रिलायबल सोर्स के बिहाफ में लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट्स एनफ फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।